इंसान ने काफी प्रगति कर ली है, इतनी ज्यादा कि वो प्रकृति को भी चुनौती देने लगा है। उसने बादलों को मजबूर कर दिया है बारिश करने पर, उसने मंगल पर बसने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। लेकिन इतने विकास के बावजूद एक इंसान दूसरे इंसान के दिल को बदलने में नाकाम रहा है। इस काम के लिए वो ना जाने कितने और इंसानों की बलि देने को भी तैयार रहता है, लेकिन काम हो जाए इस बात की गारंटी नहीं रहती। हालांकि विडंबना यह है कि हृदय परिवर्तन का काम तो बस एक छोटी सी चीज से हो जाता है, जिसका नाम है प्रेम। ना जाने इस भावना को दिखाने में इतनी कंजूसी क्यों होती है, युद्ध से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होती है। ये प्रेम ही है जिससे चलता है ये सारा जहां। स्वागत है आप सभी का, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां। ओमान की खाड़ी में तेल वाहक जहाज पर हमले के बाद तनाव चरम पर, अमेरिका ने ईरान को ठहराया जिम्मेदार, संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र जांच के पक्ष में, जापान की तरफ से तनाव कम करने की कोशिश, शिंजो आबे ने किया ईरान का दौरा। हांगकांग में प्रत्यर्पण बिल को लेकर अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, पुलिस और प्रदर्शनकारियों की मुठभेड़ में 70 से ज्यादा घायल, चीन का हांगकांग सरकार को पूरा समर्थन। और किर्गिस्तान में हुए एससीओ सम्मेलन में छाया रहा आतंकवाद का मुद्दा, सीमा पार आतंकवाद को बताया गया सभी देशों के लिए चिंता का विषय, आतंकवाद को बढ़ावा और आतंकियों को पनाह देना हो सकता है खतरनाक, पर्यावरण परिवर्तन पर भी सम्मेलन में गंभीरता से विचार। ओमान की खाड़ी में इस हफ्ते तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया। इसका कारण था नॉर्वे के एक तेल वाहक जहाज पर हमला। इस हमले के बाद इस पोत में आग लग गई, जिसे बुझाने का काम चल रहा है। अमेरिका ने इस हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहराया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा कि हमले में जिस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया, उससे ये साफ होता है कि उसके लिए ईरान जिम्मेदार है। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कहना है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए एक स्वतंत्र जांच की जरूरत है। ईरान ने हमले में हाथ होने से इनकार किया है और उसने भी एक जांच की मांग की है। ये आकलन हमारी खुफिया जानकारी, ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जरूरी विशेषज्ञता, हमले में इस्तेमाल हुए हथियारों और शिपिंग पर हाल में हुए ऐसे ही ईरानी हमलों को देखते हुए किया गया है। साथ ही इलाके में इतने उच्च स्तर पर काम करने वाला कोई और समूह सक्रिय नहीं है। खाड़ी में हुए हालिया घटनाक्रम से मैं चिंतित हूँ। हम मानते हैं कि इन हमलों के संबंध में सच्चाई को स्थापित करने की जरूरत है। हम मानते हैं कि जिम्मेदारियों को साफ तौर पर परिभाषित करने की जरूरत है। दुनिया खाड़ी में एक बड़े टकराव को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका का सहयोगी देश जापान इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। इस हफ्ते जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ईरान का दौरा किया। ईरान ने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि वो किसी भी युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा। बुधवार को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जब ईरान के राजकीय दौरे पर तेहरान पहुंचे, तो ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। हालांकि इस गर्मजोशी के माहौल पर तनाव के बादल शुरुआत से ही छाए थे, लेकिन शिंजो आबे ने इस तनाव को कम करने की भरसक कोशिश की। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में ईरान की खास अहमियत है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह के तनाव से बचना चाहिए। कुछ विशेषज्ञ हैं जिन्होंने संकेत दिया है कि इस क्षेत्र में अनपेक्षित झड़पों की संभावना है, लेकिन हमें हर हालत में सशस्त्र संघर्ष से बचना चाहिए। ईरान लंबे समय से इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश रहा है और मुझे विश्वास है कि ये भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। बढ़ते तनाव के बीच ईरान के लिए मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता को मजबूत करने में रचनात्मक भूमिका निभाना जरूरी है।
ताकि इस क्षेत्र को और अस्थिर होने से रोका जा सके। ईरान ने भी जापान को ये विश्वास दिलाया कि वो अमेरिका सहित किसी भी देश से युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर उस पे युद्ध थोपा जाता है तो वो हर हालत में अपने हितों की सुरक्षा करेगा। मैंने प्रधानमंत्री के साथ साझा किया है कि हम इस क्षेत्र में किसी भी तरह का युद्ध शुरू करने वाले नहीं होंगे, अमेरिका के साथ भी नहीं, लेकिन अगर हमारे खिलाफ युद्ध छिड़ा तो हम निर्णायक तरीके से जवाब देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा है। इसी को लेकर अमेरिका सहित 6 देशों का ईरान के साथ समझौता हुआ था, लेकिन मई 2018 में अमेरिका इस समझौते से हट गया और ईरान पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। हालांकि इसमें शामिल दूसरे 5 देश अब भी समझौते पर अडिग हैं। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी आशा जताई कि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान समझौते की शर्तों का पालन करेगा। हम इस तथ्य की बहुत सराहना करते हैं कि ईरान IAEA के साथ सहयोग कर रहा है और हम दृढ़ता से आशा करते हैं कि ईरान परमाणु समझौते का पालन करना जारी रखेगा। ईरान ने भी जापान की कोशिशों का स्वागत किया क्योंकि उसे लगता है कि जापान उससे तेल आयात की बहाली कर लेगा। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि जापान ईरानी तेल खरीदने के लिए तैयार है और साथ ही साथ वित्तीय संबंधों को हल करने, सुधार करने और विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में उनके कदमों का मैं सम्मान करता हूं। ये सभी ऐसे पहलू हैं जो दोनों देशों के बीच संबंधों के विस्तार की गारंटी देने में मदद करेंगे। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान से बातचीत करने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि ईरान पर प्रतिबंध लगाने से अमेरिका को फायदा ही हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान भले ही अमेरिका के हित को दर्शाता हो, लेकिन ईरान पर लगे प्रतिबंध ने कई देश के लिए तेल का बाजार सीमित कर दिया है। यही नहीं, प्रतिबंधों के बाद जो हालात पैदा हुए हैं वो भी कम ज्वलनशील नहीं हैं। अगर समय रहते इन्हें ना सुलझाया गया तो परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। ऐसे माहौल में शिंजो आबे की ईरान यात्रा तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका के ईरान समझौते से अलग होने और उस पर प्रतिबंध लगाने के नतीजे अब दिखने लगे हैं। समझौते पर नजर रखने वाली संस्था का कहना है कि ईरान अपनी परमाणु क्षमता में बढ़ोतरी कर रहा है। इस समझौते में शामिल दूसरे देश ईरान को मदद पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति बद से बदतर हो रही है और सहयोगी देश चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या ईरान परमाणु हथियार बना रहा है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की माने तो ईरान अपना यूरेनियम उत्सर्जन बढ़ा चुका है। IAEA को ये जिम्मा सौंपा गया था कि वो 2015 में हुए समझौते के तहत ईरान के यूरेनियम उत्सर्जन स्तर पर नजर रखे। हालांकि IAEA ने ये नहीं साफ किया है कि ईरान ने अपना यूरेनियम उत्सर्जन स्तर किस हद तक बढ़ाया है और उसके पास इसका कितना भंडार है। संस्था ने ये भी नहीं बताया है कि वर्तमान स्तर 2015 के समझौते का उल्लंघन करता है या नहीं, लेकिन संस्था का मानना है कि ये घटनाक्रम चिंता का विषय है। Since then has Iran made good on... क्या ईरान ने अपनी घोषणा से यूरेनियम का उत्पादन बढ़ाया है? हाँ, उत्पादन दर बढ़ रही है। ये साफ है कि तनाव बढ़ रहा है, इसलिए तनाव कम करना अच्छा होगा। 2015 में हुए समझौते के मुताबिक ईरान ने अपने यूरेनियम उत्पादन को एक सीमा तक रखने पर सहमति जताई थी। इस समझौते में अमेरिका सहित दुनिया के 6 बड़े देश शामिल थे, लेकिन अमेरिका के इस समझौते से हटने और ईरान पर प्रतिबंध लगाने के बाद से ईरान समझौते की कुछ शर्तों से हटने की बात कह रहा है। इसमें यूरेनियम उत्सर्जन की सीमा भी शामिल हो सकती है।
यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार दोनों बनाए जा सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जारिफ का कहना है कि उनके देश पर आर्थिक युद्ध थोपा गया है। हमारे क्षेत्र में नया तनाव उस आर्थिक युद्ध का परिणाम है जो अमेरिका ईरान के खिलाफ लड़ रहा है। क्षेत्र में तनाव को कम करने का एकमात्र तरीका इस आर्थिक युद्ध पर रोक लगाना है। ईरान समझौते से अमेरिका भले ही निकल गया हो, लेकिन दूसरे पांच देश यानी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस अब भी समझौते में शामिल है। ईरान ने इन पांच देशों से कहा है कि वो ईरान के तेल पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध से उसे बचाए। इसके लिए उसने इन देशों को 7 जुलाई तक का समय दिया है। इस हफ्ते ईरान के विदेश मंत्री ने जर्मनी के विदेश मंत्री से मुलाकात की और कहा कि 2015 में हुए समझौते को हर हाल में बचाना होगा। जर्मनी, हमारे फ्रांसीसी और ब्रिटिश मित्रों की स्थिति बहुत साफ है। हम JCPOA परमाणु समझौते से जुड़े रहेंगे और हम JCPOA से अपने दायित्व को भी लागू करना चाहते हैं। हम इसे टूटने से रोकने के लिए सारे प्रयास करेंगे। अमेरिका के समझौते से हट जाने का अमेरिका के सहयोगी देशों ने विरोध किया था। उन्होंने ईरान को भरोसा दिलाया था कि वो व्यापार में उसकी हर संभव सहायता करेंगे, जो फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। सभी यूरोपीय कंपनियों जिन्होंने ईरान में निवेश करने का ऐलान किया था, उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंध के डर से अपने कदम वापस खींच लिए हैं। इधर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ईरान से लगे सागर में भी अमेरिकी सेनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अमेरिका के सहयोगी देश भी खुद को असहाय पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हांगकांग में आजकल बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस की मुठभेड़ में कई लोग घायल भी हुए हैं। सरकार के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन का केंद्र बिंदु है एक प्रत्यर्पण बिल। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इसके जरिए चीन हांगकांग पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। हांगकांग के इतिहास में ऐसा प्रदर्शन शायद ही कभी देखने को मिला था। प्रत्यर्पण कानून के खिलाफ लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। ये लोग सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे। सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पूरे इंतजाम कर रखे थे। पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज किया। इस भिड़ंत में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए, लेकिन उनका कहना था कि वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। मैं हमारे शहर के बुनियादी मानवाधिकारों और आज़ादी के लिए लड़ना चाहती हूँ, लेकिन कल की क्रूर घटना निराशाजनक रही है, लेकिन हम फिर भी इसके लिए लड़ेंगे। हम एक ऐसी जगह चाहते हैं जो हांगकांग के लोगों को अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी देती है, एक ऐसी जगह जो हांगकांग के लोगों को स्वतंत्र रूप से अंदर बाहर जाने की अनुमति देती है। हमारी सरकार कितनी जगहों को बंद करना चाहती है? हमारी सरकार हांगकांग में सभी सड़कों को बंद कर सकती है, लेकिन आप हांगकांग के लोगों की मुंह बंद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हांगकांग की सरकार का कहना था कि प्रत्यर्पण बिल का मेनलैंड चाइना से कुछ खास लेना देना नहीं है। ये हांगकांग सरकार का अपना बिल है, इसलिए प्रदर्शनकारियों की मांग नाजायज है। चीन ने भी हांगकांग सरकार का समर्थन किया है। ये बिल चाइना के बारे में नहीं है। ये विधेयक सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट द्वारा शुरू नहीं किया गया है। मुझे इस बिल के लिए बीजिंग से कोई निर्देश या आज्ञा नहीं मिली है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार 2 अध्यादेशों के संशोधनों पर हांगकांग की सरकार को मजबूती से समर्थन करना जारी रखेगी। हांगकांग की वापसी के बाद से एक देश 2 प्रणाली और हांगकांग पर हांगकांग का शासन के सिद्धांतों को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। हांगकांग के निवासियों को वहां के कानून के अनुसार अधिकार और आजादी दी गई है। दरअसल ये सारा मामला उस प्रत्यर्पण बिल से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि कत्ल या रेप जैसे अपराधों में शामिल गुनहगारों को अगर चीन मांगता है तो उन्हें मेनलैंड भेजा जाएगा।
हांगकांग के लोग इस बिल को देश पर चीन के बढ़ते प्रभाव के रूप में देख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि चीन किसी भी तरह अपनी नीतियां हांगकांग में लागू कर सके। बिल पर बुधवार को वोटिंग होने वाली थी, जो फिलहाल टाल दी गई है, लेकिन लोगों का विरोध जारी है। जानकारों का मानना है कि बात इतनी बिगड़ चुकी है कि विरोध प्रदर्शन फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे। दुनिया रंग बिरंगी, हमारा पहला कॉन्सर्ट जो हमने मुंबई में किया, जहाँ हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे, उस कॉन्सर्ट का नाम मैंने चिराग रखा। लव दैट नेम चिराग। ये जो डार्कनेस जो है, अंधेरा है हमारे चारों ओर, अगर आप सोचे ऐसे, एंड इफ यू लाइट अ लैम्प इट क्रिएट्स सम ग्लो, इल्यूमिनेशन आता है, और जो हमारा हमारे सामने जो रास्ता है उसके ऊपर थोड़ा लाइट आता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कॉन्सर्ट का नाम चिराग रखा। नमस्कार, मैं हूं निरुपमा राव, मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने आतंकवाद के हर स्वरूप की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद से मुकाबले में सहयोग बढ़ाने की अपील की। एससीओ के राष्ट्राध्यक्ष परिषद के बिश्केक घोषणा पत्र के मुताबिक सदस्य देशों ने इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवादी और चरमपंथी कृत्यों को सही नहीं ठहराया जा सकता। शिखर सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा स्थिति, बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग, लोगों के बीच संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय महत्व के सामयिक मुद्दों समेत कई और अहम विषयों पर चर्चा हुई है। एससीओ और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के बीच करार भी हुए। संगठन के 8 सदस्य देशों में दुनिया की 42% आबादी, 22% जमीन और जीडीपी में 20% हिस्सेदारी है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इकट्ठा हुए। 14 जून को शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। एससीओ के 8 सदस्य चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हैं। इसके अलावा 4 ऑब्जर्वर देश अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं। दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली बहुपक्षीय बैठक थी। इस मंच पर भारत का जोर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और क्षेत्रीय सहयोग और संबंध बढ़ाने पर रहा। भारत में चुनाव नतीजे के बाद आपका मुझे संदेश मिला और आज दोबारा आपने मुझे बधाई दी, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जैसा आपने कहा, आपके साथ आने वाले दिनों में मिलकर के बहुत सारे विषयों में हम आगे बढ़ सकते हैं। शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के बिश्केक डिक्लेरेशन में एससीओ सदस्यों ने एक प्रभावी और रचनात्मक बहुपक्षीय तंत्र और समान भागीदारी पर जोर दिया है। सभी सदस्य देशों ने सहमति जताई कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के साथ साथ राष्ट्रीय विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और मजबूत किया जाए। चीन, रूस और ईरान ने अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठाए। हमें एससीओ का निर्माण एकता और आपसी विश्वास के उदाहरण के रूप में करना चाहिए। एससीओ के मुख्य मूल्य और अवधारणा को मजबूती से बनाए रखना चाहिए। साथ ही
स्थिति में बदलाव और विकास के अनुसार संगठन में भी बदलाव करना चाहिए। हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम की स्थिति के बारे में चिंतित हैं। तथ्य यह है कि अमेरिका ने संधि से हाथ खींच लिया है, जबकि ये 2015 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस वजह से इस क्षेत्र में स्थिति तो कमजोर हो ही रही है, साथ ही ये परमाणु और प्रसार संधि को भी कमजोर कर सकता है। SCO 2019 के 31 पेज वाले घोषणा पत्र में लिखा गया है कि सभी सदस्य देश मानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद सभी देशों के लिए चिंता का विषय है। आतंकवाद को बढ़ावा देना और आतंकियों को पनाह देना दुनिया के लिए खतरा है। इसके जरिए ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही विकास, जलवायु परिवर्तन में सुधार की कोशिशों को झटका लग रहा है। इसके साथ सभी देशों ने निर्णय लिया है कि संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन करते हुए आतंकवाद का सामना करेंगे। इस बीच कोई भी राजनीतिक द्वेष बिना किसी डबल स्टैंडर्ड के कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही किसी भी देश के द्वारा आतंकियों के समर्थन और आतंकी गुटों के समर्थन को बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। इस घोषणा पत्र के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट होना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए देशों को अपने संकीर्ण दायरे से बाहर आकर इसके खिलाफ एकजुट होना होगा। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और युद्ध प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद से सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। इसके अलावा बिश्केक सम्मेलन में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए एससीओ संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और घनिष्ठ बनाने, खासतौर से संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही एससीओ की ज्यादा सक्रिय भूमिका अदा करने पर सहमति बनी है। यूएन चार्टर के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करने के लिए बहुपक्षीयवाद और स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर रहा। साथ ही अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए एससीओ अफगानिस्तान संपर्क दल की भूमिका अदा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कजाकिस्तान में पिछले रविवार को हुए चुनाव के नतीजे आ गए हैं और कासिम जोमार तोकायेव को नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। लेकिन तोकायेव के चुनाव को लेकर अभी से विवाद छिड़ गया है। कई लोगों का कहना है कि ये चुनाव तोकायेव को जिताने के मकसद से ही कराए गए थे, क्योंकि वो पिछले राष्ट्रपति नजरबायेव के करीबी हैं। पर्यवेक्षकों ने भी इन चुनाव को पक्षपातपूर्ण बताया है। कजाकिस्तान में कासिम जोमार्त तोकायेव को नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। नतीजों के मुताबिक तोकायेव को करीब 71% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार अमीर जहा कोसानोव को केवल 16% वोट से ही संतोष करना पड़ा। पहले राजदूत रह चुके तोकायेव के सिर पर देश पर काफी सालों से राज कर रहे राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव का हाथ था, जिन्होंने मार्च में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कसिम जोमार्ट केमलीविच तोकायेव को 65,04,054 वोट, या कहें 70.76% वोट मिले हैं। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का ये चुनाव शांतिपूर्ण नहीं रहा। चुनाव वाले दिन करीब 500 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें बड़ी संख्या में आम जनता और विदेशी पत्रकार थे। प्रशासन ने उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जो चुनाव में सरकार के पक्षपात का विरोध कर रहे थे। विरोध की आवाज सबसे ज्यादा देश की राजधानी अस्ताना से सुनाई दी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि चुनाव केवल पूर्व राष्ट्रपति नजरबायेव के नुमाइंदों को जिताने के लिए कराए जा रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। इन चुनाव पर नजर रखने वाली यूरोप की संस्था ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉरपोरेशन ने भी इन चुनाव को नकारते हुए औपचारिकता मात्र बताया। Today, having observed the entire election process so far, पूरी चुनाव प्रक्रिया का अवलोकन करने के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुनाव के दिन मौलिक स्वतंत्रता और व्यापक मतदान नियमितताओं के प्रति सम्मान की कमी ने राजनीतिक सुधार की संभावना नहीं छोड़ी है।
एक तरफा नतीजों और पुलिस की जातियों की हर तरफ आलोचना हो रही है। आलोचकों का कहना है कि भले ही पूर्व राष्ट्रपति नजरबायेव ने पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन वो अब भी परोक्ष रूप से सत्ता अपने पास रखना चाहते हैं। गौरतलब है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद नजरबायेव ने ही कजाकिस्तान को एक अलग देश के रूप में विकसित किया था। मार्च में जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो फिर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनकी उम्मीदवार के जीतने के बाद लोगों का विश्वास और प्रबल हो गया है कि नजरबायेव अब भी सत्ता से दूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब दिमाग के बोझ को कुछ हल्का करते हैं और कुछ मन को लुभाने वाली खबरें देखते हैं दुनिया रंग बिरंगी में। ब्रिटिश गर्ल बैंड द स्पाइस गर्ल्स अपने रीयूनियन टूर के आखिरी पड़ाव पर हैं। गुरुवार को लंदन के वेम्बले स्टेडियम में उन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी। इसमें उन्होंने अपना सबसे मशहूर स्पाइस अप योर लाइफ गाना गाकर अपने फैंस को दीवाना कर दिया। हालांकि ये रीयूनियन विक्टोरिया बेकहम के बिना ही रहा। द स्पाइस गर्ल्स की वापसी का सभी को बेसब्री से इंतजार था। दशकों से क्वीन ऑफ पॉप रह चुकी मडोना ने शुक्रवार को अपनी नई एल्बम मैडम एक्स रिलीज की। उनके इस नई एल्बम में 15 गाने हैं। इस एल्बम में मडोना ने स्पेनिश और पोर्टुगीज में गाया है। उनका एक गाना आई राइज अमेरिकी बंदूक नियंत्रण कानून के बारे में है। इस गाने के जरिए मडोना अधिकारहीन लोगों को आवाज देना चाहती हैं। मडोना को 1980 के दशक में उनके हिट गाने हॉलीडे और लाइक अ वर्जिन से शोहरत मिली। अब तक वो दुनिया भर में 300 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड्स बेच चुकी हैं। एवेंजर्स एंड गेम की शानदार सफलता के बाद अब मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स वीडियो गेम की दुनिया में अपने पैर जमाने जा रहा है। E3 2019 इवेंट में एवेंजर्स नाम के इस गेम को लेकर कई घोषणाएं की गईं। गेम की शुरुआत सैन फ्रांसिस्को में कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, द हल्क, ब्लैक विडो और थॉर से होती है। ये गेम मई 2020 में सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि डेवलपर्स ने ऐसे संकेत दिए हैं कि प्लेस्टेशन यूजर्स को और भी कई सरप्राइजेस के साथ इस गेम को पहले खेलने का मौका मिलेगा। फ्रेंच कलाकार साइप ने शुक्रवार को अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग पेरिस के एफिल टावर में पेश की। उन्हें उम्मीद है कि उनकी ये पेंटिंग प्रवासियों के बचाव में मदद करेगी। इस पेंटिंग को घास पर बायोडिग्रेडेबल पेंट से बनाया गया है। बियॉन्ड वॉल्स नाम का ये प्रोजेक्ट 15,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ये विशाल ह्यूमन चेन घास के बढ़ने से कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगी। साइप अपने इस प्रोजेक्ट को जिनेवा, बर्लिन, लंदन और न्यूयॉर्क सहित दुनिया भर के 20 शहरों में ले जाएंगे। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इनका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। बने रहे राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।